हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंधे चौड़े कैसे करें। बहुत सारे लोग जो दुबले पतले होते हैं, यानी कि जो 18-19 साल के लड़के होते हैं, उनके कंधे काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे झुके हुए होते हैं और उनके कंधों में यहाँ पे काफ़ी सारे खालीपन होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मैं फ़ोटो यूज़ करके बता देता हूँ, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खाली से होता है और ऐसे मतलब अलग ही दिखता है बिल्कुल। ऐसे पानी डालेंगे तो पानी भर जाता है और उनका ये वाला इलाका और इलाका नहीं, ये वाली जगह काफ़ी ज़्यादा खाली सी होती है और वो ऐसे मतलब झुके कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिनसे कि आपके कंधे चौड़े हो सकते हैं। कंधे आप दोस्तों मेरे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी है, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों तक जिम किया है, सालों तक जिम किया है, लगभग 1 से 1.5 साल तक मैंने जिम किया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। इनको आपको आप जिम में भी ट्राई कर सकते हो या फिर आप इनको घर पे ट्राई करना चाहते हो तो घर पे भी आप इनको ट्राई कर सकते हो। अगर दोस्तों आपके पास घर पे डंबल हैं तो आप डंबल से भी इनको ट्राई कर सकते हो। मैं आपको अपने डंबल बता देता हूँ। मेरे पास इस समय ये 2 डंबल है, ये 1-2 किलो की एक प्लेट है और 2 किलो की एक प्लेट, यानी कि टोटल हो गया 4 किलो और इस रोड में होगा कुछ 200-400-500 ग्राम वजन। और ये वाला डंबल है, ये भी सेम इतने ही वेट का है। तो मैं तो दोस्तों जिम में जाता हूँ तो ये मैंने अपने भाई के लिए परचेस किए हैं ताकि वो घर पे अच्छी खासी एक्सरसाइज कर सके और अपनी हेल्थ को अच्छा खासा कर सके। तो दोस्तों अगर आप ईंटों से भी ट्राई करना चाहते हो, आपके पास डंबल नहीं है तो आप ईंटों से ट्राई करना चाहते हो तो ईंटों से भी जो मैं एक्सरसाइज बताने वाला हूँ उनको भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डंबल खरीदना चाहते हो तो ये मैंने 800 रुपये के परचेस किए थे ऑफलाइन मार्केट से ही, ऑफलाइन दुकान से, तो आप वहीं से जाके परचेस करना। अगर आप दोस्तों यही डंबल मतलब ऑनलाइन खरीदोगे तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, यानी कि ये 5-5 किलो के डंबल बन चुके हैं, ऑलमोस्ट बन चुके हैं 5-5 किलो के। लेकिन अगर आप इनको ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको बहुत महंगे पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ऑफलाइन परचेस करोगे तो ये आपको लगभग 800 रुपये का पड़ा था मुझे, दोनों 800 रुपये के पड़ गए थे। तो आप इनको ऑफलाइन से मार्केट से ही परचेस करना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 4 एक्सरसाइज कौन कौन सी है जिनको ट्राई करके आप अपने कंधों को चौड़ा कर सकते हो। इस वाली एक्सरसाइज में आपको एक कंधे को उठाना है, अपने नोज एरिया तक लेके आना है, फिर उसको नीचे लाना है और दूसरे कंधे को उठाना है, यानी कि दूसरे हाथ को उठाना है, उसको नोज एरिया तक लाना है, फिर उसको नीचे करना है। ये प्रोसेस आपको आराम आराम से करना है। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो, अगर आपको कुछ दिन हो चुके हैं एक्सरसाइज करते हुए तो आप इसको थोड़ा सा फास्टली भी कर सकते हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा स्लोली और फीलिंग लेके करोगे आपकी शोल्डर पर उतना ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपकी एक्सरसाइज में। ये जो दूसरी एक्सरसाइज है इसमें आपको डंबल्स को दोनों हाथों से एक साथ उठाना है और अपने शोल्डर पर थोड़ा सा फील लेना है, जिससे क्या होगा आपके शोल्डर पर इफेक्ट पड़ेगा और आपके शोल्डर तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। और गाइज जो तीसरी एक्सरसाइज है इसमें भी आप देख लीजिए किस तरीके से आपको करना है। तो गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने कितने रैप के कितने सेट लगाने हैं। तो दोस्तों आपको लगाने हैं 3 सेट। अगर आप पहला सेट लगा रहे हो 15 रैप का तो आपको दूसरा सेट लगाना है 12 रैप का और तीसरा सेट लगाना है 8 रैप का। इस तरीके से आपको 3 सेट लगाने हैं और आप 8 से लेकर 15 तक के रैप्स लगा सकते हो। तो जितने भी एक्सरसाइज है इसमें आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ये आप अपने घर पर ही ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि एक्सरसाइज जो तो आप करोगे उनसे इफ़ेक्ट तो आपकी बॉडी पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको अपनी डाइट पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। अगर आप अच्छी डाइट लोगे, अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करोगे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो उससे क्या होगा जो आपकी मसल्स क्रैक हुई हैं वो जल्दी से जल्दी हील होंगी, रिपेयर होंगी और आपकी हेल्थ जल्दी से बनेगी। यानी कि आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपनी डाइट पर, और अगर आपकी डाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही तो आपकी हेल्थ बनने से कोई नहीं रोक सकता और आपको फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो गाइज ये जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है ये आपको कम से कम 3-4 महीने तो करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने 2-5 दिन इनका ट्राई किया तो आपको कंधे चौड़े हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इनका रेगुलरली यूज़ करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला। और मुझे दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो और देखनी है एक्सरसाइजेज से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।